Hey guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज आपके ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है और ये क्यों बेनिफिशियल है। Hey guys, welcome to Breaking Muscle Fitness. मेरा नाम है अभिषेक। So guys, एक्सरसाइज दो तरीके से इफेक्ट करता है। एक होते हैं इसके इमीडिएट इफेक्ट जो आपको तुरंत एक एक्सरसाइज सेशन के बाद मिलता है, और एक होते हैं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब आप कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। So, पहले बात करते हैं इमीडिएट इफेक्ट के बारे में, राइट? सो पहला इफेक्ट है कि आपकी ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स। सो ये फील गुड केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपके मूड में तुरंत परिवर्तन आता है। सो इसका दूसरा इमीडिएट इफेक्ट ये है कि आप अपने अटेंशन को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं एंड उस पर फोकस कर सकते हैं, और ये फोकस एटलीस्ट 2 घंटे तक रह सकता है। तीसरा, इससे आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पिताजी आपको अभी लाफा मारने वाले है ना, तो ऐसे सिचुएशन के टाइम आपको चाहिए होता है रिएक्शन वहां से तुरंत हटने के लिए, राइट? तो उसके लिए आपका रिफ्लेक्स जो है वो बहुत ही क्विक होना चाहिए। सो एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है ऐसे टाइम पे, रिएक्शन आपका इंप्रूव करता है। तो गाइस, ये थे इमीडिएट इफेक्ट्स। अब बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में, राइट? जो आपको पता चलेंगे कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जब आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हो। आपके ब्रेन में एरियाज होते हैं, उनमें से एक एरिया का नाम है हिप्पोकैम्पस। सो हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि वो मेमोरी पे फोकस करता है। सो कुछ महीनों के बाद जब आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कुछ महीनों के बाद आपके हिप्पोकैम्पस एरिया में न्यू ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। तो ये न्यू ब्रेन सेल्स आपके मेमोरी में इंप्रूव करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। एक दूसरा एरिया होता है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो काम होता है वो अटेंशन और फोकस से जुड़ा हुआ होता है, राइट? तो जब आप कंटिन्यूअसली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो कुछ टाइम बाद आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखता है, जिस वजह से आप अटेंशन और फोकस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो। इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी होता है। जिस तरीके से आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, उसी तरीके से आपके ब्रेन के मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिस वजह से आप बहुत सी बीमारियों को रोक पाते हैं जो आपके ब्रेन में इफेक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।